हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, योर विंडो लाइसेंस विल एक्सपायर सून, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में 2-3 स्टेप बताऊंगा। अगर गाइस आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप 100% इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो नीचे टास्क बार है यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। गाइस अगर आपके सिस्टम में ये फंक्शन ओपन नहीं होता है तो आपको सिंपली कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट प्रेस करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। गाइस टास्क मैनेजर के ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट में जो प्रोसेस का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद गाइस आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आपको फाइंड करना है विंडोज़ एक्सप्लोरर, ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर को आपको फाइंड करना है। और उसके बाद गाइस विंडो एक्सप्लोरर पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे हम एंड टास्क कर देंगे। गाइस एंड टास्क करने के बाद आपके जो बैकग्राउंड का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर पूरा ब्लैंक हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा गाइस, एंड टास्क करने के बाद आपको ऊपर आना है फाइल वाले ऑप्शन पे, वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे रन न्यू टास्क पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस न्यू टास्क आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू टास्क में टाइप करना है explorer.exe, ठीक है। उसके बाद इसको आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। फिर गाइस आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो एज इट इज़ पहले की तरह हो जाएगा, जैसे पहले था। गाइस उसके बाद हम इसे कर देंगे क्लोज। यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, आपको नीचे आना है, यहाँ पे विंडो पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है CMD। तो गाइस यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ आपको वही टाइप करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइप करना है /SLMGR और उसके बाद REARM, ठीक है। इतना टाइप करने के बाद गाइस आपको एंटर प्रेस करना है और उसके बाद कुछ सेकंड के बाद आपको यहाँ पे एक विंडोज़ दिखाई देगी, विंडोज़ स्क्रिप्ट होस्ट। गाइस यहाँ पे आपको शो कर रहा है कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, प्लीज़ रीस्टार्ट द सिस्टम फॉर द चेंजेस टू टेक इफेक्ट, ठीक है। तो गाइस अभी ये आपके सिस्टम को बोल रहा है रीस्टार्ट करने के लिए। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना होगा और इसको कर देते हैं क्लोज। उसके बाद आप अपने सिस्टम को कर लीजिएगा रीस्टार्ट। तो गाइस उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली 100% सॉल्व हो जाएगी। गाइस ये सेकेंड स्टेप कम्प्लीट करते ही जैसे ही आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो आपको एक स्टेप और कंप्लीट करना होगा, चलिए उसे भी समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेप है इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा, आपको थर्ड स्टेप में अप्लाई करना है Windows+R, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है service.msc, ठीक है, इतना आपको टाइप करना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। गाइस उसके बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। गाइस यहाँ पर आपको फाइंड करना होगा विंडो लाइसेंस मैनेजर, ठीक है, इसके लिए आपको सबसे नीचे आना होगा। यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा है विंडो लाइसेंस मैनेजर, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी और गाइस उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्टअप टाइप पर आना है। यहाँ पर स्टार्टअप टाइप में जो भी ऑप्शन पहले से सिलेक्ट है तो उसको आपको डिसेबल कर देना है, ठीक है। डिसेबल करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई पर क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है, ठीक है। और गाइस उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लोग कर देंगे कट। उसके बाद गाइस आप एक बार फिर से अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे गाइस हमने 3 स्टेप फॉलो किए हैं, इन तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको जो विंडो लाइसेंस का जो आपको एरर देखने को मिलता है वो एरर आपका 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।